मैं भाषा और इस समय हम खड़े हैं न्यूज क्लिक की टीम के साथ मदुरई में। तमिलनाडु में मतदान 6 अप्रैल को है और इसके लिए तमाम दल और यहाँ पे दो जो बड़े गठबंधन है उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। मदुरई में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से कैंप किया इन्होंने, यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर गए और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कोशिश है कि जो युवा मतदाता हैं उन्हें लुभाया जाए, उनके बीच किस तरह से काम हो सकता है, किस तरह से उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है, यह शायद सबसे बड़ा सवाल तमाम गठबंधनों के सामने है। और उससे भी बड़ा सवाल जो शायद तमिलनाडु की राजनीति पूरे भारत के सामने पेश कर रही है वह यह है कि यहाँ पर भाजपा, आरएसएस, हिंदू मुनानी तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर ध्रुवीकरण क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ अभी भी मोदी एक बड़ा फैक्टर नहीं है और यह हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिर इतना सब कुछ दांव पे लगाने के बावजूद, प्रधानमंत्री के खुद यहाँ आने के बावजूद, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो बाकी देश में प्रचार प्रसार है वह यहाँ कारगर क्यों नहीं हो पा रहा। क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है वह अलग मिजाज की है, जिसके साथ ध्रुवीकरण की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कारगर नहीं हो पा रही। जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग मतदाताओं से जो अलग अलग पेशों से आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, कि वह तमिलनाडु और देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते हैं, मदुरई में कब से हैं? मेरा नाम तो जयचंद्रन है, मैं मदुरई में हूँ, मैं बद से इधर ही है। मैं इधर वो बैंकिंग में काम करता हूँ। अभी जो पॉलिटिकल सीन है तमिलनाडु का, वो कैसे आप देखते हैं? लड़ाई किन के बीच में है और क्या कुछ और नया आपको लगता होना चाहिए? वो तो नया तो कमल हासन आना पड़ेगा, कमल मक्कल नीधि मय्यम, सो मेरा वोट उसका है। दे टेकन सम न्यू इनिशिएटिव्स, सो वी सपोर्ट कमल हासन। कमल हासन, यस। उसका कारण क्या है? उसका कारण तो वो लास्ट 50 इयर्स आर डीएमके एंड एडीएमके ओनली हियर इन तमिलनाडु, बट इतना इंप्रूवमेंट नहीं है इधर, सो इसलिए तो कमल हासन आने पड़ेगा। अच्छा, नहीं वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान है, मदुरई में हूँ मैं। क्या काम करते हैं? मैं भी इनके साथ बैंक में काम करता हूँ, बैंकिंग फाइनेंशियल में हूँ। अच्छा, ये बताएं आपसे दूसरा सवाल और आपसे भी है, बीजेपी कितना बड़ा फैक्टर है तमिलनाडु में? मोदी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं, कल भी मदुरई में थे, तो क्या भविष्य है बीजेपी का? वो कितने बार इधर आए, कितना बार वो इधर आएगा, अभी काम नहीं आएगा। क्यों 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 मैडम? सो इधर तो इसका बेस है ना मैडम, मैं बोलता हूँ इसका बेस है, तमिलनाडु का बेस है ना, वो क्या है, इट इज अ तमिल, इट इज प्योरली अ तमिल बेस्ड कल्चर। यहाँ पे ये 3000 साल से पहले इधर से है, वहाँ जो भी अब वहाँ से आते हैं ना, वी कॉल अवरसेल्फ एज़ अ द्राविडियन, द्राविडियंस बोलते हैं ना हम, वो कल्चर यहाँ पे। रिलीजन के हैं सब द्राविडियन, इसमें रिलीजन का बात मैं नहीं करता हूँ, ये भाई भाई लोग है इधर, मैं मुसलमान, ये हिंदू, यहाँ पे वो क्या है ना, यहाँ पे वो जो भी वहाँ से आता है, वी दे आर ट्राइंग फॉर अ डिवाइड एंड रूल कल्चर, सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन इन आवर तमिलनाडु, बिकॉज वी वांट अ पीसफुल लाइफ हियर लाइक व्हाट केरला पे, बिकॉज एजुकेशन इज समवॉट वेरी हाइयर इन द साउथ रीजन, आपको तो पता है, केरला में भी होगा या तमिलनाडु में होगा, एजुकेशन का परसेंटेज अच्छा है, सो द पीपल आर थिंकिंग हियर, पीपल नोज वेरी वेल व्हाट दे हैव टू डू, बेसिक कल्चर क्या है हमको पता है, हमको क्या चाहिए वो भी हमको पता है, सो दे विल कम फॉर अ गुड कंक्लूजन हियर। आप बताएं बीजेपी, बीजेपी का क्या, विदाउट एनी प्रॉब्लम बीजेपी का, बीजेपी क्यों नहीं, क्यों नहीं, तो वो क्या बोलना है एग्जैक्टली, क्योंकि हिंदू मुनानी तो यहाँ है, आरएसएस भी है। वो क्या है एक्चुअली, हिंदू का यूनिटी इज इम्पोर्टेंट है, बट ऑप्शन नॉट फॉर बीजेपी, वो आएगा तो वो क्या होगा, फॉर हिंदू मुस्लिम एंड क्रिस्टियन इट्स प्रॉब्लम तो हो जाएगी, तो ये हमारा थाट है, सो इधर तमिलनाडु में वैसा नहीं आना है, सो सब एक ही है, यस, सो इधर रिलीजियन स्प्लिटअप नहीं आना पड़ेगा, इस पे लोग तैयार हैं कि नहीं डिवाइड नहीं होना, नहीं वो सम ऑल सब यार इंडियन ओनली। एक चीज और, जो आपको क्या लगता है कि अभी जो लड़ाई है, अभी जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो ब्रॉडली अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच दिखाई दे रही है, जो ट्रेडिशनल सेंस में दिखाई देती है, आप कैसे देखते हैं?
समझ में आ रहा क्या है, लड़ाई किनके बीच में है यहाँ? यहाँ पर अपर हैंड, अपर हैंड किसके पास? कभी भी एडीएमके एंड डीएमके पास है। आई थिंक दिस टाइम डीएमके विल रूल, अपर हैंड उनके पास ही है, बिकॉज वो जयललिता के गुजरने के बाद मक्कल यहाँ पे लोग है ना, वो थोड़ा जो भी अब गवर्नमेंट चल रहा है उनका एक पावर में नहीं आ रहा है। सो आई थिंक अपर हैंड ऐसा आप पूछते हैं तो डीएमके के हाथ में है, बिकॉज टोटल कूटनी बोलते हैं ना, सब लोग मिलके पार्टी का लंबाई ज्यादा है इसीलिए। एक शब्द में अगर आपको बताना हो, आप अपने को द्रविड़ियन कहते हैं, द्रविड़ियन यानी क्या? द्रविड़न मीन्स तमिलनाडु, केरला, आंध्र, वो सब कन्नड़न एक साथ में, तो द्राविडर है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन, मैं इधर ही रहता हूँ, मेरा पैदाशी इधर ही है, मैं इधर ही रहता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आए, कल भी मदुरई में थे, वो क्या करना चाहते हैं और उनकी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? कल भी नहीं, आज भी मदुरई में है वो, मतलब क्या है ना, वो इधर ही घूमते हैं, उनका काम नहीं करते हैं, मतलब जितना उन्होंने बोला देश में सबको मैं ये करूँगा वो करूँगा, 15 लाख दूंगा, सब मैं अच्छा करूँगा करके बोले, वो कुछ उनको ध्यान में नहीं है, भूल गए, वो झूठ बोलने का ही उनकी इरादा है, उनकी आदत है, ऐसे आदत के इनको क्यों लेके आया ये इंडिया, इसके लिए हम लोग बहुत इसमें है, बहुत आई एम फिक्र में है, मतलब ऐसे आदमी को लेके आ गया। कांग्रेस कितना किया, 70 साल से कांग्रेस जो किया ये सब बर्बाद किया, बोलता है मैं वो विकास लेके आया, क्या विकास लेके आया, नोटबंदी विकास है क्या, क्या विकास है, कुछ भी विकास नहीं लेके आया, जीएसटी लेके आया वो भी विकास नहीं है, सब लोग को सीएए लेके आया वो भी विकास नहीं है, क्या विकास ले आया, विकास बोलो, एक बोलो, मैं जो बोलते हैं मैं सब सुन लेता हूँ, आप विकास नहीं लेके आया, उल्टा तुमने देश का बदनाम किया, देश का बर्बाद किया, देश की तिजोरी को पकड़ के रखेगा बोला, हम लोग सच करके समझा, आप बोलने के समय आपके मन में ये था ये तिजोरी को मैं खाली करने वाला है, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ करके आपने बोला है। और एक बात बताता हूँ, आज का पेट्रोल और गैस का भाव इतना है, हम लोग पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी ला के पेट्रोल पंप में खड़ाते हैं, मोदी देख के मेरे को हंस रहा है, क्या हंस रहा है, मैं बोला झूठ बोला, आपने सच करके समझ लिया ना, आप डालो 100 में डालो 150 में डालो करके हंस रहा है, मेरे को ऐसा होता है, ये ऐसा दिल में एक रख के मन में एक रख के हम लोग को बोली एक बोला है क्या, हम लोग इतने वरी करते हैं, इतने मेरे को उतना हिंदी नहीं जाता है, माफ करना, मेरा जितना आता है उतना हिंदी बोलता हूं। आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। थैंक यू मैडम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया, इट इज रियली वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग, स्टिल द 3 ईयर्स हाउ टू गो, और आने वाली 3 साल कैसे चलने जाती है, और टोटल देश इतने से हो जाएगा। तमिलनाडु में क्या होगा, हिंदी में बोलो या तमिल में बोलो? तमिलनाडु में देखो सब लोग अभी परख गया, मतलब मोदी झूठा है, वो कुछ नहीं करने वाला है, उल्टा तुम लोग से लड़ाई मिटाने वाला है, इसके लिए सब लोग परख गया, ये जो लोग मोदी के साथ है वो सब गुंडागारी करने वाले, पैसा लूटने वाले, जयललिता के बिना जयललिता के खिलाफ करते हैं, हम लोग जयललिता को भी वोट किया, लेकिन मैं समझ गया अभी ये लोग जयललिता से जितना पाया उतना अभी ये लोग उसको बुराई करता है, जयललिता सही रहती ना ये लोग को, क्या डीएमके आएगा? जरूर आएगा, डीएमके जरूर आएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमल हासन या दूसरी जो तमिल पार्टी है वो भी है। यार कमल हासन का मैं फैन हूँ, कमल हासन का मैं फैन हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कमल हासन से कुछ नहीं कर सकता है, कर सकता है कमल हासन जितना टीवी में या मूवी में करता है ना उतना ही काफी है मेरे को, इधर आके वो कुछ कर नहीं सकता है, कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मोदी के पीछे जाएगा, ये हमको नहीं मालूम है क्या, हमको अच्छा मालूम है, लोगों को लगता है जी, लोगों को लगता है, मतलब लोगों इतना नहीं जानते, पूरी गोदी मीडिया है, मीडिया लेके जाके पहुंचाती नहीं है, जब पहुंचाएगा तो उसको मालूम होगा, मोदी एज हेलीकॉप्टर में घूमता है, बोलता है मैं कुछ कमाया नहीं है, कमाया तू कुछ भी कमाया नहीं है, हेलीकॉप्टर का पैसा कैसा आया, तू इतना खर्चा करता किधर से आया, तू बोलता है मेरा पास कुछ भी नहीं है, मैं जितना काम किया पूरा मेरा बर्बाद हो गया, डोंट ब्लफ अस, वी आर वेरी वेरी स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, वी नेवर अलाउ यू टू कम, ओनली द
अगेंस्ट पार्टी, मोदी इज अगेंस्ट पार्टी इन द सेंस डीएमके विल कम विद द ऑल अलायंस. दे आर डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द पार्लियामेंट. द 39 पीपल, तुम लोग को ऐसा हालात है आप कुछ नहीं बोल सकता है. पार्लियामेंट में हम लोग भेजा है, 39 पर्सन्स को हम लोग भेजा है, वो लोग तुमको करता है. कल 100 आदमी 200 आदमी बैठेगा ना, तुम लोग से आवाज नहीं दे सकता है, मार नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है. जी, थैंक यू, शुक्रिया. सो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर प्रोफेशन एंड हाउ यू सी दीज इलेक्शंस? सी, माय नेम इज धनशेखरन एंड आई एम एन एरोस्पेस इंजीनियर. आई एम वर्किंग फॉर एरोस्पेस कंपनी. ओके, एंड ओके, दिस सिलेक्शन इज शुड ब्रिंग अ मेजर चेंज फॉर तमिलनाडु एंड इट्स आल्सो सेट, यू नो, द तमिलनाडुस डेवलपमेंट. सो we seriously are looking for a change. When we say change, what does the change means or imply, for what the change is? Okay, so the change, what we mean is that, okay, so basically, you know, it should bring, you know, employment opportunity for the youngsters. Okay, so Tamil Nadu is way behind, in terms of the development. That's what now we see as youngsters actually. So we expect, like, you know, Tamil Nadu should go forward on that. And the food inflation rate, you know, it's pretty much under control. Okay, so it's becoming a very challenge for the common people. So Tamil Nadu government or whomever the new government, like, you know, should focus on that, and they should set the base for the poverty and, you know, below poverty people. Yeah, Tamil Nadu politics, it's like very, they are like into the box. What I personally feel is they would like to come outside. So only two parties has been ruling this country for the long time. So this has to be changed. So rationally, out of the box, they allow to think in a wide range. So what if the two parties excluding something comes? So that's what they allow to think about. And progressively, they allow to think, they allow to vote for some other. They allow to give chance for some other, at least a new thing we'll have to see. So we will get to know how it will be. So because it has been a long time, 20, 30 years, we have been seeing only two parties. And when election come very close, they have been telling like we are giving free gas. Something like why they should have done it before. So they are having 4 years. So they would have been doing this for the 4 year also. But people are like, how they are deceiving the peoples, and people are get deceived as simple as that. So it's our fault. So when you talk about change, whether it is for BJP, no, it's not like BJP. The one who would like to do something good, something different, something exceptional for the people. BJP is bringing a different kind of a politics, you must be aware. So whether you think that BJP will work in Tamil Nadu? So BJP, I personally feel that BJP should not come. Why? Because the Hindi imposition could be there. I'm not sure about it, just a speculation. Hindi imposition could be there. So our traditional and conservatism, the way we have been brought up, being a Tamilians, we have proud, and that should not be demolished anywhere. So Hindi imposition could be there, and that's why, because the way we have been brought up is very, really very different. The one who knows about it can survive with us. Modi is like, okay, he can do good things, and I'm totally agree with that. Do you think he has done some good thing to the country? He has done a lot of good things, and he has been doing, but personally, it is not reflecting to the people's life. What good he has done? He has done taking GST. It is a revolutionary thing, actually, because of that, each and every. But the economy has gone to the rumbles. The first time in Indian history, the GDP is for so long is in negative, and quarterly also returns. Yeah, and the scheme they are doing is really very fine, but when it comes to practicality, people are not getting benefit in it. मेरा मदरी में से इधर वार में एचएमएस कॉलेज में हूँ. मेरा नाम है सुलेमान. है सुलेमान जी, अभी जो चुनाव होने वाला है 6 तारीख को, क्या सीन है तमिलनाडु का और मदुरई का? मदुरई डिस्ट्रिक्ट के लिए उठाने के लिए देखे तो दोनों के लिए इक्वली है. डीएमके और एडीएमके पूछ रहे ना, वो पॉलिटिक्स में पूछ रहे ना, दोनों भी एक ही जैसा है. इसमें दो फर्क कोई भी नहीं है, दोनों भी एक ही जैसा है. इसमें दोनों में कौन आए? जब आप कहते हैं एक जैसा है, मतलब क्या? एक जैसे तो जरा चेंज इंतजार करता हूँ हम लोग. अब एडीएमके सेटिस्फाइड नहीं है, अब डीएम क्या है तो जरा अच्छा रहेगा ना, बोलकर हम वो सोचिस करते हैं हम लोग. आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट यू आर स्टडीिंग? मेरा नाम विग्नेश कुमार. आई एम स्टडीिंग बी मैकेनिकल, फाइनल ईयर. यंगस्टर्स का क्या मुद्दा है चुनाव में? यंगस्टर्स अप्रैल हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हो गए.
You can speak in English. Okay, English. What are your demands? What do you feel in this election should be the demands? Petrol price will come low. Here petrol price is high in Tamil Nadu. We want to lower the petrol price. Reduce the petrol price. That's and all. Education, how you feel? Competitions, education, job? Education is nice nowadays in Tamil Nadu. According to Samachir Kalvi, they are studying nice things. Lots of full syllabus, lots of nice syllabus are there. Online class, now Corona days, so online class, we can start online class. Students can stay home and freely they can study in online class, in home itself. And how you see BJP? BJP, in Tamil Nadu, BJP no chance to win here. Because they don't like BJP here in Tamil Nadu. Why? Because here lots of Muslims, Christians are together. So they don't like BJP here. So whether BJP don't like all religion together? Some people like, but in Tamil Nadu, most of them are not like BJP. They want to like Dravida Kachi only here. DMK is highly win chance here. DMK? Yeah. What is good about DMK? What is it? How you see Stalin? Stalin is a nice leader. He did not come chief minister. Year after he become chief minister, we will see how we can do it. Peru, Muthilakshmi. आप क्या काम करती हैं और कितना पैसा मिलता है आपको? हाउसकीपिंग पूटी तोड़े किरे और रेंड कड़ेला पूटी तोड़े चीट रुक रहे और कड़े की मूरबा और नाले की रेंड कड़े की आरणु आरायरबा संबड़ यरनूरबा आरायरबा ना संबड़ा द आरायरबा संबड़ा तो चीट नाल प्लेंगे विट कर मत्ता आर पेर वाड़ा गुड़कम डील வாடகை கொடுத்தா கரண்ட் பில் மாதம் கரண்ட் பில் தான் கட்ட முடியும், தண்ணி காசு தான் கொடுக்க முடியும், வாடகை கொடுக்க முடியாது. சிலிண்டர் மாதம் இப்போ சிலிண்டர் 400 ரூபாய்க்கு இருந்தது இப்போ 900 ரூபா வந்துருச்சு. எதுவுமே சமாளிக்க முடியலை. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் எல்லா விலைவாசியுமே கூடுது. குடிக்கிற தண்ணி முதற்கொண்டு காசு கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம். 15 ரூபா ஒரு குடம், 15 ரூபா கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம் குடிக்கிற தண்ணி. ஓட் போடுறோம். இந்த வாட்டி டாக்டர் கலைஞருக்கு தான் போடுவோம். டிஎம்கே தான் ஓட்டு. நல்ல லீடர். நாங்க டிஎம்கே பீரியட்ல எங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கிடைச்சது. அது வாசி இந்த வாட்டி டிஎம்கே தான் ஓட்டு. सबसे अहम बात मदुरई के बारे में कि यहां पर दो दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, यहां रहे और उन्होंने कोशिश की मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की. लेकिन ऐसा लगता है और बहुत साफ दिखाई देता है कि तमिलनाडु में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, भाजपा के बाकी नेता, उनके लिए राह आसान नहीं है. और शायद यही जानने के लिए हमने रुख किया मदुरई की सड़कों का, जानना चाहा अलग अलग पेशों से जुड़े हुए लोगों से, महिलाओं से, कि आखिर वे क्या सोचते हैं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में. और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, वे क्या सोचते हैं भारत की राजनीति के बारे में. क्योंकि निश्चित तौर पर तमिलनाडु की राजनीति भारत में जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है इसके खिलाफ खड़ी हुई है. यहाँ द्रविड़ पॉलिटिक्स, द्रविड़ अस्मिता, द्रविड़ पहचान बहुत मजबूत है, जो शायद भाजपा के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है.